रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया व पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे द्वारा दी गई है। आए दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पाचपावली पुलिस ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार पाचपावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाबा बुद्धाजी नगर स्थित अपोलो मेडिकल स्टोर का मालिक आरोपी उबेद रजा व इकराम उल हक ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को ज्यादा दाम में बेच रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने योजना बनाई और नकली ग्राहक बन के मेडिकल स्टोर में कर आरोपी को रंगे हाथ धर दबोचा। इस दौरान मेडिकल स्टोर में काम करने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि अहमद हुसैन व जुल्फिकार हुसैन नामक व्यक्ति उसे इंजेक्शन देता था। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे ने अधिक जानकारी साझा की। हमारा माहिती मिळाली गुप्त बातमी दारामार्फत की अपोलो मेडिकल स्टोर बाबा बुद्धाजी नगर टेका नागा गुरुद्वारा जवळ या मेडिकल स्टोरचा मालक रेमडेसिविर नावाचं इंजेक्शन जे सध्या कोरोना आजारावर दिलं जात आहे हॉस्पिटल्समध्ये त्याचा काळा बाजार करून तो एक इंजेक्शन 25,000 रुपयाला विकत आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली। आम्ही बनावट ग्राहक त्याच्या दुकानात पाठवून इंजेक्शनची मागणी केली असता त्यांनी दोन इंजेक्शन काढून दिले आणि तो आमच्या बनावट ग्राहकाला इंजेक्शन देत असताना आम्ही तिथे रेड करून ते इंजेक्शन आणि त्याला ताब्यात घेतलेलं आहे। तो आणि त्याचा दुकानामध्ये नोकर अशा दोन व्यक्तींना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याला त्या इंजेक्शनबाबत विचारलं तर त्यांनी जाफरनगर येथे राहणारा त्याचा मित्र त्यांनी त्याला ते इंजेक्शन आणून दिले अशी माहिती दिलेली आहे। त्यालासुद्धा आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे, चौकशी करीत आहोत। चौकशीनंतर त्याच्याविरुद्ध तिन्ही आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू आहे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है वो पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, बीसी न्यूज़ नागपुर।